क्या आयुर्वेदा में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज है? हाँ जी, इलाज है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले और हमारे 5000 साल पहले जो शास्त्र है उनमें भी मेंशन किया गया है कैंसर के बारे में। मेरा दवाइयों के साथ और हर्बल चीज़ों के साथ जो कनेक्ट है वो जब मैं 5 साल की थी तब से ही स्टार्ट हो गया था। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ब्रिटिश रूल के अंडर पहली बार दुनिया में आयुर्वेदा एक्सपोर्ट्स किए। जितने भी हमारे वेदास हैं, स्पेसिफिकली जैसे हमारा आयुर्वेदा है, उसमें ये सिखाया गया है और ये बताया गया है कि कैसे हम एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन सोल को एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं। पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ अच्छा नहीं होता है। रैट रेस में भाग रहे हैं कि बस हमें कुछ अचीव करना है, जबकि खुशी और सेटिस्फैक्शन हमारे आसपास ही है, कोई चूज ही नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, खास बात सिमरन के साथ के इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में आपका आज बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ध्यान से और पूरे दिल से देखिएगा, क्योंकि मेरे दिल के ये बहुत करीब है। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही छोटी उम्र से मुकाम पाया है। उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं उनसे बात कर रही थी बिहाइंड द कैमरा, आई वॉज रियली रियली टच्ड। किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को कहाँ से शुरू किया और आज वो कहाँ पहुँच चुकी हैं, ये काबिले तारीफ है। आइए मिलते हैं ऐसी एम्पावर्ड वीमेन से जो कि मुझे ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाओं को आज एम्पावर करेंगी। मेरे बीच में है डॉक्टर मोनिका बी सूद, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, सीईओ ऑफ नवजीवन ग्रुप, बहुत कुछ कर रही हैं। शी इज़ आल्सो सोशियो इकोनॉमिक एनालिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट। बहुत सारी चीज़ों में मैम ने अपनी कहते हैं ना महानता पाली है। शी इज़ डूइंग अलॉट। तो आइए जानते हैं मोनिका जी से उनकी कहानी उनकी ज़बानी। हेलो सिमरन, बहुत 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 स्वागत है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू सो मच। और आज के इस पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि मैं दिल से ये चाहती हूँ, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि खास बात, तो आपकी खास बात और आपकी ज़िंदगी की खास ऐसी बातें मैं दर्शकों तक ले जाना चाहती हूँ। ज़रूर मोनिका जी, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में अपने फादर साहब को खो दिया था। हाँ जी। एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के लिए बहुत कम उम्र में इस तरह से होना, अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करना, और बहुत ही बड़े ग्रुप जो कि 100 सालों से, मतलब काफ़ी बड़ा आपका बिजनेस एम्पायर रहा है, उसको आपने कितनी स्ट्रॉन्गली हैंडल किया, तो ये जो जर्नी है ना, मेरे बताने से तो नहीं चलेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो 18 साल की उम्र में आपने जो अपने आप को फिर से खड़ा किया वेरी स्ट्रॉन्गली, ये पूरी कहानी आप बताएं। ये एक्चुअली कहानी तभी स्टार्ट हुई जब मैं इस फैमिली में पैदा हुई। 18 साल तो काफ़ी लेट बता रहे हैं आप। मेरा दवाइयों के साथ और हर्बल चीज़ों के साथ जो कनेक्ट है वो जब मैं 5 साल की थी तब से ही स्टार्ट हो गया था। हमारी लेगेसी नवजीवन, मेरे दादाजी ने ये इस्टेब्लिश किया था 1923 में जी। वो पहले इंसान थे, हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ब्रिटिश रूल के अंडर पहली बार दुनिया में आयुर्वेदा एक्सपोर्ट्स किए। ओके। हमारी कंपनी फर्स्ट कंपनी थी, इससे पहले किसी और ने एक्सपोर्ट्स नहीं किए थे। सो उन्होंने ये एक्सपोर्ट किए पहली बार और दुनिया को बताया कि आयुर्वेदा एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है और बहुत सारी बीमारियां भी ठीक कर सकता है। उस समय आप सोचिए कि जिस टाइम ब्रिटिश रूल था, लोगों को एक मॉडर्न मेडिकल साइंस का अनुभव तो था ही नहीं। उस टाइम कितनी सारी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे पूरे दुनिया में, बहुत सारे वैक्सीनेशन आ रहे थे, और उस समय अपने भारतीय सभ्यता और अपने भारतीय मेडिकल साइंस को लॉन्च करना पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस लेगेसी को कैरी ऑन करते हुए मेरे फादर ने ये काम नवजीवन को संभाला, पर मैं बहुत छोटी थी जब से मेरा इसमें इंटरेस्ट
आना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाती थी और उनके साथ काम करवाती थी। मैं अकेली बेटी थी अपने घर में, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं अकेले अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ। तो इसलिए एक आप सोच सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर थी बचपन से ही कि मैंने कुछ करना है, इस फैमिली का नाम आगे बढ़ाना है, नवजीवन का नाम आगे बढ़ाना है। और ये सब सीखते सीखते मेडिकल साइंस में बढ़ते बढ़ते आगे, मेरे फादर की डेथ भी जल्दी ही होगी, जब मैं 18 की होने वाली थी तभी वो चले गए। तो उससे मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन आ गया कि सारे के सारे बिजनेस को कैसे संभालना है। इतना ईजी नहीं था, काफ़ी काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि देखिए उस समय मैं एडल्ट नहीं थी, आई वॉज नॉट अ मेजर, और लीगली एक मेजर ना होते हुए उस समय आप अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग मुझे बच्चा ही समझते थे। और हमारा बिजनेस सारा एक्सपोर्ट्स का था, जैसे मैंने बताया 1923 में हमने अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट किया। तो लोगों को समझाना, लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा लीगल इशूज़, मॉनेटरी इशूज़ और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कंपनी में कि हर किसी को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। पर मेरे फादर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, शायद उन्हें पता था कि उनका समय पास है, तो वो मुझे तैयार कर रहे थे पॉलिटिकली भी, और वो मुझे तैयार कर रहे थे सोशली और मॉरली टू हैंडल एवरीथिंग। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आप बता रहे थे कि कैसे आपके दादा जी ने एक लेगेसी तैयार करी, हाँ जी, नवजीवन ग्रुप, हाँ जी, जिसमें आयुर्वेदा को लेके कितनी अवेयरनेस, मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी एक्सपोर्टिंग, हाँ जी, और आपने किसी छोटी सी उम्र में हर चीज को बहुत बारीकी से सीखा, हाँ 5 साल की उम्र, हाँ जी, बहुत छोटी होती है टू ऐसी चीज को समझना। अब मैं जानना चाहती हूँ कि नवजीवन ग्रुप से आप इतनी छोटी उम्र से जुड़े थे, ऐसी क्या खास बात और रही बिसाइड्स की वो ऐसी एक आयुर्वेदिक कंपनी है, ऐसी क्या खास बात रही जो कि यू नो स्टैंड आउट करती है, 100 सालों से ये कंपनी चल रही है, ऐसी क्या यूनिक बात है नवजीवन ग्रुप की? देखिए यूनिक ये है कि एक तो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज की तरह हमने इसको बहुत बड़ा नहीं किया जी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। आयुर्वेदा हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है जी। जितने भी हमारे वेदास हैं, स्पेसिफिकली जैसे हमारा आयुर्वेदा है, उसमें ये सिखाया गया है और ये बताया गया है कि कैसे हम एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन सोल को एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, उस हम जो कोई बीमारी है उसको जड़ से निकालते हैं। तो बहुत लोग ऐसा हैं आजकल बोलते हैं कि हम हर बीमारी को जड़ से निकाल देते हैं, और आयुर्वेदा में और सिद्धा में, होम्योपैथी में, यूनानी में, हर जगह ये चीज़ बोली जाती है। मैं मानती हूँ कि दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस चीज़ में काम करती हैं, पर उसको जड़ से निकालने का एक तरीका है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जी। अब अगर हम इस चीज़ को मैकेनिकली परफॉर्म करेंगे तो जो एक दवाई की एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। तो आज भी ज़्यादातर दवाइयाँ मैं अपनी कंपनी में हाथ से बनवाती हूँ, और हमारी दवाइयाँ कस्टमाइजेबल बेस्ड हैं। जैसे कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारे जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट्स चेक करते हैं, उनको पर्सनली चेक करते हैं जो पेशेंट्स आते हैं, और जो फॉरेन पेशेंट्स हैं हमारे उनसे हम वीडियो कॉल्स या व्हाट्सएप कॉल्स या फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं। ये सिस्टम हमारा 1923 से चल रहा है, उस टाइम लेटर्स के थ्रू बात होती थी जी। मेरे पास इस समय इतने हज़ारों लेटर्स और टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं जो मैंने आज तक संभाल के रखे हैं। कि उस समय फ़ोन नहीं थे तो लोग लेटर्स में लिखते थे कि हमें ये तकलीफ़ है, हम लोग दोबारा वापस चिट्ठी लिखते थे कि आपको ये तकलीफ़ है, ये दवाई आपको दी जाएगी, उनका फिर जवाब आ रहा था कि आपको हम ट्रांजैक्शन कैसे करें, सब कैसे करें। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान जो कोई अपनी डिजीज़ से, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, उसका ये प्रोसेस उस समय 8 से 10 महीने का था, और अब वो प्रोसेस सिर्फ 2 दिन का हो गया है थैंक्स टू आर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। पर मैं फिर उस समय उस बात पर आती हूँ कि इसका यूनिक है हमारी कस्टमाइजेबल दवाइयाँ। हम सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया,
सिकल सेल एनीमिया के केसेस हैं, बहुत आते हैं मेरे पास, और ऐसे ही एथराइटिस हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो चैलेंजिंग हैं और जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस बोलता है कि ये नहीं ठीक हो सकती है, हम उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वो दवाइयां हम उनको कस्टमाइजेबल बेसिस पे बना के देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली. ओके, ये हमारा फोर्टे और यूएसपी है. ये तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगी इतना यूनिक थिंग है. आई एम श्योर ये आपका यूएसपी है, क्योंकि आजकल क्या है कि अगर आप ऑनलाइन भी बात कर रहे हैं तो लोग यही बोलते हैं कि ये बीमारी है, बट आप किसी डिजीज़ के पूरे अंदर तक जाना, उसको उसी हिसाब से दवाई देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज बीमारियाँ, वक्त तो ऐसा है कि बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, और कैंसर जैसी बीमारी मैं देखती हूँ कि, मैं इस बारे में स्पेशली पूछना चाहूँगी कि क्या आयुर्वेदा में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज है? हाँ जी, इलाज है. और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले और हमारे 5000 साल पहले जो शास्त्र हैं उनमें भी मेंशन किया गया है कैंसर के बारे में. इनफैक्ट एचआईवी के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, और वहाँ पर हमारे विस्तार से उनका जो हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है और जो जिस प्रकार के रोग हमें कैंसर के साथ लगते हैं, तो कैंसर के इम्यूनिटी डाउन होने से लगते हैं, उनका सबका विस्तार से वहाँ पर सब कुछ दिया गया है हमारे शास्त्रों में. और अगर हम उसको फॉलो करें और वो दवाइयाँ वैसे बने जैसे वहाँ बताई गई हैं, तो डेफिनेटली कैंसर का इलाज होता है. कैंसर का इलाज होता है, आयुर्वेदा में भी इलाज है. तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता चल रहा है कि आयुर्वेदा में कैंसर का इलाज है, और आपके पास ऐसे काफ़ी टेस्टिमनीज भी तो होंगे. हाँ जी, मेरे पास है. तो मैं ये जानती हूँ कि आपने बहुत सारी एजुकेशन ली है, जहाँ पे आप साइकोलॉजी भी पढ़े हैं, बिजनेस लॉ भी पढ़ा है आपने, और अब जैसे कि आयुर्वेदा में भी हैं, हर एक आस्पेक्ट की आपने स्टडी बहुत डीप की है. तो जब आप इतनी सारी विद्याओं को जानते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा महसूस होता है कि यू नो देर आर सो मच, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, एंड यू आर ऑल्सो एम्पावरिंग अपनी आसपास की जनता को, अपने आसपास की विमेन को और अपने बच्चों को. तो ये सब जितनी नॉलेज के साथ जब आप बाहर निकलती हैं, आपको कैसा लगता है कि अरे वाह, दिस इज़ व्हाट आई नो? सी, सबसे पहले बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इतना पढ़ रही हूँ. मैं अभी भी अपनी PhD कर रही हूँ. मैं इतना समझती हूँ कि हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए. उसके दो कारण हैं. पहला कारण ये है कि जैसे मेरे पिताजी की डेथ के बाद बहुत छोटी एज में मुझे थोड़े सालों का सबैटिकल लेना पड़ा था. मैं अपनी एजुकेशन मुझे उस समय रोकनी पड़ी थी, क्योंकि या तो मैं कॉलेज चली जाती, मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी में थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो 12th के एग्ज़ाम्स दे रही थी मैं अपने. तो उस समय उनकी डेथ हो गई, तो ऑफकोर्स मैं अपना ग्रेजुएशन तो सोच भी नहीं सकती थी करना, क्योंकि या मैं अपना बिजनेस संभालती या मैं लीगल एस्पेक्ट्स देखती, जो कि जनरली हमारी इंडियन कल्चर में तो स्टार्ट हो ही जाते हैं. जब किसी पेरेंट की डेथ होती है तो लीगल इश्यूज तो बहुत आ ही जाते हैं लाइफ में, तो उनको देखती, या फिर मैं ये देखती कि मैं अपनी कंपनी कैसे चलाऊंगी और अपना घर कैसे चलाऊंगी. मतलब मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा भार था, फाइनेंशियल भार था, मैंने बोला इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़ थे, लीगल इश्यूज़ थे, और मैं अकेली थी. मेरे मदर ने मेरा साथ दिया बहुत, पर फिर भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है. तो उस समय मैं पढ़ने का सोच भी नहीं सकती थी, तो मैं कुछ साल मैंने अपनी पढ़ाई को रोका, और इसलिए, और उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया कि मुझे पढ़ना है. मैं 12th रह के पढ़ के तो सिर्फ नहीं रह सकती ना, तो इसलिए मैं ये आज सबको ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई करने की कोई एज नहीं होती है, और कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है. बहुत ही बेहतरीन. आपने पढ़ाई इतनी छोटी उम्र में छोड़ दी, हाँ जी, लेकिन यू रीस्टार्टेड और आपने इतना कुछ सीखा. मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, ऑल्दो हम, मुझे लगता है विमेन इतनी एम्पावर्ड है कि साइकोलॉजी उनको बचपन से ही आती होगी कि वो किस तरह से जान पाती हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डीप स्टडी. तो जब बात करते हैं साइकोलॉजी की, मेंटल अवेयरनेस, बिकॉज आप एक मेंटल अवेयरनेस एडवोकेट भी हैं, तो इस पे मैं ज़्यादातर बात करना चाहती हूँ. जैसे कि आप इस विद्या में ऑलरेडी हैं और आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिल चुकी होंगी, और आजकल के समय में स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज़ वो घर घर में है, इतना कि छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस. उसके लिए आपका मेजरली क्या रहेगा कि हमें इस स्ट्रेस से अपने आप को किस तरह से
रिलैक्स्ड रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको आयुर्वेदिक के लिए चीज़ नहीं बताऊंगी, सोशली ये चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले बात की जो ये मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है हमारे इमोशंस को बैलेंस करना, किसी भी सिचुएशन को हमने कैसे संभालना है। हमारे लाइफ में हर मिनट कुछ ना कुछ नया सिचुएशन होता है। सबसे बड़ा सिचुएशन 2-4 साल पहले हमारा कोविड था, उसमें लोगों ने अपना मेंटल बैलेंस बहुत लूज किया, लोग डिप्रेशन में चले गए। और आजकल के बच्चे से लेके बड़े, यंगस्टर्स हो गए, टीनेजर्स हो गए, इनफैक्ट बूढ़े भी, सब लोग मेंटल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे और वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके सामने जो सिचुएशन है उससे उनको कैसे, मतलब उससे कैसे, मतलब टैकल करना है, उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। क्योंकि अगर एक ताला है, उसकी चाबी है, आप समझिए कोई भी प्रॉब्लम ताला है, चाबी उसकी है, पर लोगों को उसकी चाबी मिलती नहीं है क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या इतनी वरी करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो इतने सालों में जो मेरे साथ हुआ है, जितना मैंने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, उससे मैं आज यही सोचती हूँ कि जो हो रहा है देखा जाएगा, हर चीज़ अपने आप सेटल हो जाएगी, हर चीज़ का अपना टाइम होता है, हम हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, सोचने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप टेंशन करेंगे और आप वरी करेंगे और फिर सोचेंगे, तो उससे आप अपनी तबीयत, अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे। ये बोलना बहुत आसान है और प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा से ये सजेस्ट करती आ रही हूँ, मैंने बहुत आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस चीज़ के बारे में और बहुत जगह चीज़ बोली भी है, कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो कि मेंटल और साइकोलॉजिकल नहीं है, जो कि हमारी एजुकेशनल और सोशल प्रायोरिटी है इस समय। तो अगर हम साइकोलॉजी को और मेंटल हेल्थ स्टडीज़ को बचपन से इंटीग्रेट कर दें एजुकेशन में, एक 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा जो ABC सीखता है, क ख घ सीखता है, अगर उस बच्चे को हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक मेंटल हेल्थ सेशंस देने शुरू कर दें, जो कि थ्योरेटिकल थोड़े हों और प्रैक्टिकल ज़्यादा हों, तो उस बच्चे को बढ़ता बड़े होते हुए समझ आ जाएगा कि उसने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, ज़िंदगी में क्या बनना है, उसके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। और आप सोचिए, अगर आज हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो आज के बाद जो बच्चे 10वीं पास करेंगे या 12वीं पास करेंगे, उनके माइंड में कितनी क्लैरिटी होगी और कितना इजी हो जाएगा उनको सोसाइटी में मैनेज करना। हमारे आजकल के बच्चे सुसाइड करते हैं अंडर द प्रेशर ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ अच्छा नहीं होता है, प्रेशर कितना देना है। मैं ये नहीं बोलती कि सब पेरेंट्स ऐसे हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिंचाव रहता ही है हर घर में। जैसे बच्चों के साथ पेरेंट्स का खिंचाव है, वैसे ही बड़ों के साथ उनके पेरेंट्स के साथ खिंचाव है। सो एंटायर फैमिली का सर्कल ही वही बन गया है। हम भाग रहे हैं, रैट रेस में भाग रहे हैं कि बस हमें कुछ अचीव करना है, जबकि खुशी और सेटिस्फैक्शन हमारे आसपास ही है, कोई चूज़ ही नहीं करना चाहता। सब लोग अपने फ़ोन में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि अगर हम 10 मिनट 15 मिनट अपने वही हम जो हमने बात करनी है, जो हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, वही बात अगर हम अपने घर वालों से करेंगे, जो हमारे पास हैं इस समय, हमारे पास हैं, कल को क्या पता हो या ना हो, टाइम का कोई पता नहीं है। कोविड सिखा दिया हमें ये चीज़ कि कौन कब चला जाए, कुछ नहीं पता। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर साइकोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर लें एजुकेशन में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उनके प्रॉपर सेशंस हों, तो हमारा समाज, सोसाइटी तो बहुत बेहतर बन सकता है। बहुत, मतलब ये आपने एक ऐसी बात कही, आई थिंक जो पेरेंट्स इस समय देख रहे होंगे, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ये एजुकेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेस और मे बी माइंडफुलनेस है, और आजकल तो ये सब्जेक्ट मतलब ऑलरेडी इंट्रोड्यूस भी हो चुका है स्कूल्स में, ये जो माइंडफुलनेस ऑफ एवरीथिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये अगर हमें बचपन से रूटेड रहे हमारे जीवन में, तो ये स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि इट शुड बी एवरीवेयर एंड रैदर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना
अब लोग पूछेंगे माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए. अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको प्राणायाम करना है, आप योगा करें, योगा से आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होता है. बट हर कोई शायद ना कर पाए, हर कोई शायद उसके अंदर अपने आप को ना ट्रांसफॉर्म कर पाए कि उसे योगा करना है. तो इनिशियली तो जो लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो उनका स्ट्रेस बस्टर है. फॉर एग्जाम्पल कि किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ मूवीज़ देखना ही अच्छा लगता है. तो उस समय अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब वो अपने आप में एक मेडिटेशन कर रहा है. और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड के लिए 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान लगाना शुरू कर दें, अपने माइंड को ब्लैंक कर दें. कुछ टेक्निक्स होती हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं, आप सिर्फ आराम से बैठ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ दिनों में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. तो आपके मन में अपने आप ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी. अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने आस पास पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने यहाँ बताई है कि मैंने भी अपने जीवन में आजमाया है मोनिका जी, कि जो चीज़ हमारे दिल को अच्छी लगती है ना, वो ज़रूर खुशी देती है. चाहे मैं बात करूँ इस पॉडकास्ट की, जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ और जब भी मुझे पता चलता है कि आज मैं इस नए इंटरव्यू में इस नई पर्सनालिटी से मिलूँगी, मैं सच में रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो जो अगली सुबह है ना, कुछ नई सीख लेके आएगी. और ये मैं दिल से कहती हूँ कि जब भी मैं ऐसे विमेन से मिलती हूँ, नो ऑफेंस टू द मेन, बट यस, जब भी मैं एक एम्पावर्ड वुमेन देखती हूँ तो खुद में एक ऐसा जज्बा आता है कि नहीं, कितना कुछ है सीखने के लिए. और आपको देख के यही पता चल रहा है कि जर्नी कहाँ से कहाँ. मैं जानती हूँ कि आप एक माँ हैं और एक नहीं, तीन बच्चों की मम्मा हैं, एंड यू लुक सो ग्रेसफुल. पहले तो ये खूबसूरती का राज, कैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हो, नॉट दैट फिजिकल मेंटेनेंस, आई नो जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो यंग ही लगता है, और सोच भी. तो मैं वो राज आपके दिल का जानना चाहती हूँ. और आप कैसे, यू नो, यू आर डूइंग सो मच, आप बहुत कंट्रीज भी ट्रैवल करते हैं और बच्चों के साथ भी आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखते हैं. मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि हम जैसे काफ़ी लोग हैं जो इस बात तक पहुँचना चाहते हैं. उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि मैं बहुत छोटी सी, जब मैंने अपने फादर को खो दिया, तो अपने बच्चों के साथ मैं वो रिलेशनशिप बना के रखना चाहती थी कि मैं हमेशा उनके फ्रेंड बन के रहूँ. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं उनकी फ्रेंड बन के रहूँ, पर मैंने अपने आप होता चला गया. जबकि मैं छोटी थी, 18 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई, आई लॉस्ट माई एडोलेसेंस पीरियड, आई lost that time which a teenager or an adolescent has to, you know, you see कि उसको वो व्यतीत करना होता है अपने friends के साथ. exactly. उनके अपने सपने होते हैं. मेरा वो time, मतलब मेरे पास वो time था ही नहीं, क्योंकि मैं उस time कुछ और ही कर रही थी. मैं अपने company को, अपनी organization को build कर रही थी, क्योंकि उस समय मुझे ये लगता था कि मेरा जो नवजीवन group है, जो organization है, ये मुझे nurture कर रहा है. right. मैं उसे nurture नहीं कर रही थी. so एक ये aspect था, और of course legacy थी, और हर चीज़ का burden भी था. तो वो जो मैंने time खोया, वो मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा relive करना चाहती थी. तो वो एक reason था कि मैं आज भी समझती हूँ कि मैं बहुत बड़ी नहीं हुई. मैं आज भी अंदर से, दिल से, अपने माइंड से ऐसा फील करती हूँ कि मैं छोटी बच्ची ही हूँ. सो वही रेडिएट करता है. और मैं ज़्यादातर जितने भी, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में टेंशन्स नहीं आती. बीइंग इनटू यू नो अ ह्यूज बिजनेस एंड एज आई एम अ सोशल इकोनॉमिक एनालिस्ट एज वेल, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को टेंशन्स नहीं हैं. बहुत कुछ है, बट उससे डील करना मैं सीख गई हूँ विद एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. एंड सेकेंडली, आई बिलीव कि अगर हम खुश रहेंगे अंदर से, तो हम खुशी बांटेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा. और जो हमारे लाइफ में, भगवान को मानती हूँ, जो भगवान ने लिखा है, कोई तो ऊपर बैठा है ऐसा जो हम सारी सारी दुनिया को चला रहा है, तो उसने हमारे बारे में भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा. और अगर जो हो रहा है
तो वो अच्छे के लिए हो रहा होगा जी। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ हम अपनी मेहनत से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म ज़रूर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन आपने फिर से हमें एक ऐसी बात बताई है, अगेन मेरे दिल को छुई है, वो ये है कि आप अपने दिल से अगर खुद को ये सोचें कि मैं एक बच्ची हूँ तो वो आपके चेहरे पे रेडिएट करती है। इट्स ऑल इन द माइंड, वो कहा जाता है जैसे आप सोच रखते हैं वैसा आप दिखते हैं और वैसा ही आपका ऑरा होता है। तो जहाँ आपने ये बात करी तो मैं देख सकती हूँ कि कितनी पॉजिटिव ऑरा और आपका जो कामनेस है वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करती है। तो मोनिका जी, मैं जानती हूँ कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने बहुत कुछ किया और स्पेशली कोविड टाइम पे आपने बहुत लोगों के लिए थ्रू नवजीवन ग्रुप बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो आपने बांटी हैं उस समय, बहुत ऐसा आपने फॉर द सोसाइटी भी वर्क किया है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। उस समय ऐसा समय था कि लोगों ने मेरी भी बहुत हेल्प की और मैंने भी लोगों की हेल्प की। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जब कोई मुसीबत में है तो हमें हेल्प जितनी हो सकती है उतनी करनी चाहिए। तो उस समय जितनी मेडिसिन हम दे सकते थे आयुर्वेदिकली वो हमने दी, प्लस मैंने लोगों को बहुत सारे रेसिपीज़ उस समय ऐसे दी कि जहाँ पे ओटीसी दवाइयाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन उनको नहीं मिल रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन में, तो अपने घर में बैठे जो उनके घर में सामान है उससे कैसे वो अपनी मेडिसिन खुद बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अपनी बॉडी को खुद जानते हैं। कोविड में भी मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी कि हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल वात पित्त और कफ पे बेस्ड है। तो मुझे याद है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी कोविड के टाइम पे, मुझे चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में उन्होंने इनवाइट किया था लेक्चर के लिए ऑन कोविड ओनली। तो मैंने वहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी कि हम बोल देते हैं कि आपने हल्दी दूध पीना है, आपने नारियल पानी पीना है, पर कोविड में भी ये सब चीज़ें ऑफकोर्स हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती हैं और कोविड के सिम्टम्स को ख़त्म करती हैं। पर पीजिए अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, अगर आपके बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफरेंट है, अगर आप कफा दोष के प्रकृति के व्यक्ति हैं जिसमें आपको जल्दी सर्दी लग जाती है, आप में मोटापा है, आप का म्यूकस थोड़ा गले में रहता है और आप उसके ऊपर नारियल पानी पी रहे हैं या आप उसके ऊपर नींबू पानी पी रहे हैं कोविड में, तो वो आपको नुकसान करेगा। जबकि कोविड में नींबू पानी पीना, विटामिन सी वॉज द मेजर थिंग कि विटामिन सी जितना खाएंगे उतना बेटर रहेगा, बट उस इंसान को विटामिन सी नींबू के फॉर्म में नहीं चाहिए था, वो किसी और फॉर्म में ले सकता था, आंवला के फॉर्म में ले सकता था, ठीक है। पर ऐसे ही हेल्दी दूध अगर हम किसी पित्त प्रकृति के व्यक्ति को देंगे तो वो उसके अंदर स्टमक की हीट बढ़ा देगा। तो ये ऐसी चीज़ें मैंने लोगों में बहुत प्रचार किया था उस समय कि आप अपना ध्यान खुद रखें, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करें और जितनी दवाइयां हम दे सकते थे हमने लोगों को दी, जितनी हेल्प कर सकते थे उतनी की। तो उस समय हर कोई हर किसी की हेल्प कर रहा था। सही है, वो ऐसा वक्त था आई थिंक तब लगता था कि कभी क्या हम जिंदगी में कभी भी सब ठीक हो पाएगा, और वहाँ पर ऐसा लगता था कि कोई भी ना हर किसी के लिए आपके मन में प्यार आता था और यू वांटेड टू हेल्प, घर बैठ के भी लगता था कैसे किसी की मदद करें। पर जब थ्रू योर मेडिसिन, थ्रू योर अवेयरनेस जो आपने लोगों को दी, आई एम श्योर इट रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। यस, आई नो मेनी पीपल एक्चुअली रिवर्टेड टू मी ऑल्सो दैट द रेसिपीज एंड द थ्योरीज विच आई हैव इंस्ट्रक्टेड टू देम हैव हेल्प्ड देम ट्रूली। तो जैसे हमारा काढ़ा बनाना, काढ़े में कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन से इंसान को कौन सी चीज़ देनी है, किस बच्चे को, हमारे घर के मसाले जो होते हैं ना ये यही बहुत इफेक्टिव होते हैं। पर ये भी कई गर्मी करते हैं, कई बॉडी टाइप के हिसाब से ही ये हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हमारी किचन में ही सब कुछ है। हाँ जी, आप उसी से हील हो सकते हैं, अपने किचन में इतने इंग्रेडिएंट्स, इतने मसाले हमारे इंडिया में जो है, सो दिस इज़ वी आर ब्लेस्ड विद, आई थिंक हमारे यहाँ कल्चर इज़ ब्लेस्ड विद सच स्पाइसेस एंड यू नो दिस थिंग। अब आई नो दैट यू आर अ लीडर इन योर सेल्फ, मतलब जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि आप एक ही नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं, और आप अपनी लीडरशिप के अंडर नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी काउंसिल के इस मिशन को भी आप आगे बढ़ा रही हैं, वहाँ क्या रोल प्ले करते हैं? ये एक सोशल इकोनॉमिक बॉडी थी जो मेरे फादर ने स्टार्ट की थी 1983 में। उस समय सिचुएशन थोड़ी हमारे भारत की ग्रिम थी इकोनॉमिकली भी, और काफ़ी इश्यूज थे,
तो उन्होंने पीस के प्रचार के लिए मतलब वर्ल्ड डिसआर्ममेंट और पीस अमंग द नेशंस ये सब चीज़ के लिए इस बॉडी को स्टार्ट किया। ओके तो मैं इस बॉडी को आगे लेके जा रही हूँ। अब हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जो डाइवर्सिफिकेशन है उनमें एक ऐसा डायलॉग प्रपोज किया जाए जिससे इंक्लूसिविटी आए। और डिसआर्ममेंट जो आजकल हमारे इतने वॉर्स वगैरह चल रही हैं और इश्यूज आ रहे हैं सारे, उन चीज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, हमारे जीडीपी वगैरह हर चीज़ के ऊपर, हमारी कंटिन्यूसली इसके ऊपर इंटरेक्शंस होती रहती हैं हमारे मेंबर्स की। तो आजकल थोड़े हाल फिलहाल में ही मेरा एक आर्टिकल आया भी था जिसमें मैंने लिखा था कि हमारे बच्चे इंडिया के बहुत सारे बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, तो करीबन 2 से 3 लाख बच्चा हर साल हमारे कंट्री से, हमारे भारत से बाहर पढ़ने जाता है, और उसके साथ जाते हैं हमारे इंडिया के पैसे जी। और आप सोच नहीं सकते कि कम से कम 8 से 14 बिलियन डॉलर हर साल हमारे बच्चे बाहर लेके जाते हैं जी। ठीक है, तो उससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम अपने बच्चों को अपनी कंट्री में रिटेन कर पाएँ तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस खोलनी पड़ेंगी। उसके लिए हम पीपीपी मॉडल्स खोल सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ बाहर की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा जो पैसे का ड्रेन है वो बाहर ना जाए, पैसा बाहर ड्रेन ना हो। क्योंकि जो बच्चा यहाँ से जाएगा, एक बच्चा भी अगर जाएगा तो कम से कम 50 लाख का खर्चा तो उसके ऊपर होगा, स्टूडेंट के ऊपर, वहाँ जाएगा और वो अपने आप को वहाँ मेंटेन करने के लिए कोई छोटी मोटी मिनियल जॉब्स करेगा, वहाँ पे पैसा अर्न करेगा और वो वहीं स्पेंड करेगा। तो किस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है? जा वो रह रहा है। जी। तो अगर यही चीज़ हम देखें, हमारी जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर हम इसको पॉपुलेशन ना देखते हुए इसको अपना एसेट समझें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में बच्चे ही इस तरह से ट्यून्ड हैं कि वो चाहते हैं कि वो एजुकेशन जो है बाहर जाके ले, जस्ट बिकॉज हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ऑल्दो हम एज एन इंडिया एज अ कंट्री वी आर रियली एलिवेटिंग, हमने बहुत प्रोग्रेस की है और आए दिन हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को देख के मैं जानती हूँ कि बच्चों में यह है कि फर्दर स्टडीज़ में बाहर ही करना चाहूँगी। और फिर इवेंचुअली ये होता है जो वहाँ जाता है वो वहीं कहा जाता है कि वो बस जाते हैं वहीं, ऐसा होता है। ये जो चार्म है हम अपने देश में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ये चार्म इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि पहले जो हमारा भारत था वो आत्मनिर्भर भारत नहीं था, लोगों को मुश्किलें आती थी। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं एजुकेशन में। अब जैसे कि हमने IIT अभी दुबई में इनॉग्रेट किया है, और वैसे ही हम मैं चाहती हूँ कि ऐसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में भी आएँ ताकि हमें भी मतलब और हमारे साथ कलाबरेट करें, और बाकी जो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हम प्रॉस्पर करें, स्कूल्स को करें। तो उससे क्या है कि देखिए एक सोच बन गई है बचपन से हर बच्चे में, और इनफैक्ट हमारी जनरेशन में, आपकी जनरेशन में, क्योंकि 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया है हमारे ऊपर, उन लोगों ने हमें ये सिखा दिया है कि वो अच्छे और हम बुरे। आज भी आप देखेंगे कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या अच्छी है, पर बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जी, बहुत देशों से बेहतर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, पर स्कूल लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, जितना मल्टी स्किल मैनेजमेंट हम करते हैं उतना कोई और देश का बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस ही पूरी दुनिया में बचा है, पर सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इंडियन ही हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। नासा में देख लीजिए, NHS में देख लीजिए, आप मेडिकेयर में देख लीजिए,
हर जगह पे इंडियन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों में वो कैपेबिलिटी है, बट वो टैलेंट बाहर जा रहा है. प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी. तो ये सोच मैं जो बोल रही थी कि घूम फिर के अगर आज कोई बाहर की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ये बोले कि ये दवाई बहुत अच्छी है या ये चीज़ हमने खाई है, तो यहाँ पर आके वो घूम फिर के यहाँ पर आएगी तो लोग उसको लेना शुरू कर देंगे. हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे, ठीक है, पर लोगों ने बीच में बंद कर दिया. वी अडॉप्टेड प्लास्टिक. प्लास्टिक का सबसे मेजर रोल हमारी लाइफ में क्या हुआ कि उसने कैंसर करना शुरू कर दिया, पर हम नहीं माने. हम फिर भी प्लास्टिक का यूज़ करे जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. पर अब वहाँ से घूम फिर के आई बात और बोला गया कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए, तो लोगों ने वो करना शुरू कर दिया. मेरे को ये समझ नहीं आता कि अपनी सभ्यता को आप कब रियलाइज करेंगे कि हम कितने अच्छे हैं. जो हमारा, मैं अब हिंदुइज्म पे या हिंदुत्व पे नहीं आ रही हूँ, पर मैं फिर भी ये बोल रही हूँ कि हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है. हमारे शास्त्र कब कंपाइल हुए? थोड़े कुछ हज़ार साल पहले कंपाइल हुए, पर ये लिखे कब जा रहे थे? ये लिखे जा रहे थे 80,000 साल पहले. ठीक है, अब सोचिए कि 80,000 साल पुराना हमारा शास्त्र और 500 या 1,000 साल पुरानी मॉडर्न मेडिसिन कहाँ कंपीट करती है. लैग सिर्फ इसमें है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम था. वो क्यों कम था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें सिखा दिया था कि हम अच्छे, तुम लोग बुरे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता. और उस चीज़ को आज तक 75% लोग फॉलो कर रहे हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल टू मोदी जी कि उन्होंने आयुष की स्थापना की, उन्होंने योगा डे बनाया. एटलीस्ट लोगों को ये समझाया कि हमारा जो साइंस है, जो हमारा विज्ञान है, वो कितना प्रोमिनेंट और कितना अच्छा है. सो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरे दादाजी ने 1923 में किया और जो मोदी जी आज ये कर रहे हैं, तो मुझे एक वही भावना, सेम टू सेम वही भावना मुझे आज फील होती है. बहुत ही बढ़िया. और आपने कैसे बताया कि हम कहाँ से, क्योंकि हम बाहर पढ़ने जाते हैं बट हम ये भूल गए हैं कि हमारे देश में इतना कुछ है. इट्स जस्ट दैट कि वो रियलाइजेशन ही नहीं है. ये हाई टाइम है कि हम और हमारे जो बच्चे हैं ये बात रियलाइज करें कि अपने ही कंट्री में देर इज सो मच. एंड ऑफ कोर्स मोदी जी के अंडर तो काफ़ी प्रोग्रेस आया इसमें. मतलब दिस इज़ रियली टू बी अप्रिशिएटेड आफ्टर हिज लेगेसी. जिस तरह से वो मेंटेन कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग वंडरफुली वेल. एब्सोल्युटली. अब जाते हुए एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इतना सब आप कर रही हैं, इतनी दुनिया को एम्पावर कर चुके हैं, तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो भी विमेन फ्रेंड्स हैं, उनके लिए वो एक ऐसी बात जो वो रोज़ फॉलो करें और ऐसी एम्पावर्ड रहें. देखिए, थोड़ा सा बोलना चाहूँगी इसके ऊपर कि हर एक वुमन जो होती है वो अपने आप में एम्पावर्ड होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एम्पावर्ड नहीं है. हर कोई अपने तरीके से अपने अंदर जी, बट उसको वो रियलाइज करना, उसको वो चीज़ अपने अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो लेके आने की हिम्मत हर एक महिला में होनी चाहिए. वो हिम्मत कहाँ से आएगी? वो हिम्मत उसको अपने आसपास के लोगों से मिलती है, अपने सोसाइटी से मिलती है. पर आज भी नो कि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी, मतलब डिस्पैरिटी तो करती ही है फीमेल्स में, महिलाओं में. तो एक महिला को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अगर किसी को जन्म दे सकती हूँ, अगर मैं जेनेसिस हूँ, मतलब मैंने ये इस पूरी दुनिया का कायाकल्प मैंने किया. आज नवरात्रों का टाइम है, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम माँ दुर्गा को की पूजा करते हैं. माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं और माँ दुर्गा ने और रानी लक्ष्मीबाई ने, ऐसे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि क्या क्या नहीं किया. ठीक है, तो इसलिए हर एक औरत के अंदर दुर्गा माँ की शक्ति है. अब उस शक्ति को एजुकेशन में यूज़ करें, उस शक्ति को स्पोर्ट्स में यूज़ करें, उस शक्ति को मेंटल एबिलिटी के लिए यूज़ करें, या और जो भी उनके अपने
थॉट प्रोसेस है, जैसे भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं उसमें यूज़ करें, चाहे अपने घर में ही क्यों ना यूज़ करें, अपने बच्चों को बड़ा करने में क्यों ना यूज़ करें, जिसमें उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो करेंगी तो वो अपने आप में एम्पावर्ड होंगी. करें तो बिकॉज हमारा देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि महिलाएं एम्पावर्ड हैं, उनको एजुकेशन का सपोर्ट मिलना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, एजुकेशन हर किसी को मिले. देखिए अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन इजीली अवेलेबल है, पर रूरल एरियाज़ में थोड़ी मुश्किल है. और 30% महिलाएँ रूरल एरिया में हैं, 18% अर्बन एरिया में, टोटल 48% महिलाएं हैं हमारे देश में एज़ कम्पेयर टू मेल्स. तो वो जो 30% महिलाएं हैं, अगर उनको हम प्रोत्साहन दें, उनका बेसिक एजुकेशन कराएं, उनको स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप में डालें, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी जी. एक ये चीज़ होगी. पर इस एम्पावरमेंट के साथ साथ हमें एक सोच भी चेंज करनी पड़ेगी, जिसे हम मैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बोलूँगी, फॉर द मेल्स, जो जिनका नज़रिया महिलाओं के लिए डिफरेंट है. द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ द कोलकाता केस. ठीक है, उसके बाद हमारे ऐसे केसेस आते हैं, हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ 5 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा बुरा किया जाता है और 60 साल की औरत के साथ भी ऐसा किया जाता है. तो इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है. ये सोच तब बदलेगी जब हमारे देश में या पूरे विश्व में साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा बचपन से. क्योंकि एक मेल की सोच बदलना किसी महिला के प्रति बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे देश में बहुत ज़रूरी है. अर्बन एरियाज़ में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, मेट्रो सिटीज़ में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, पर ऐसे भी एरियाज़ हैं अभी भी हमारे भारत में जहां पे महिलाओं को घूंघट से बाहर नहीं निकाला जा रहा, जहां पे वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं. और आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कितने केसेस होते होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते, जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं. सो इसके लिए हम किसी, हम कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम सिर्फ अपने आप के खुद हेल्प कर सकते हैं. और ये चीज़ अगर हम लोगों को मेंटली और अपने एजुकेशन में ले आएं और इनका सेशंस लोगों को दें, जिससे एक्चुअली कोपिंग स्किल्स तो आने चाहिए, कोपिंग मैकेनिज्म तो होना चाहिए जी जी, तो उससे बहुत 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 डिफरेंस आएगा. बहुत ही ऐसी बातें आज आपने हमारे को इस पॉडकास्ट से बताई. आई थिंक फॉर एवरी क्वेश्चन देर वॉज एन आंसर जो कि इट टच माई हार्ट. ऑफकोर्स देर वॉज सो मच टू टेक अवे. आज के इस पॉडकास्ट में हर एक बात में एक टेक अवे था. मैं आपसे यही कहूँगी तहे दिल से कि आप आए, आपने अपना वक्त निकाला. थैंक यू सो मच मोनिका जी. इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर कि आप जैसी पर्सनैलिटीज आए और इस प्लेटफॉर्म को ग्रेस करें. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू. सो माई डियर व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में आपने ये देखा होगा कि कैसे एक विमेन को अपने ऊपर ही विश्वास रखना है. अगर आप एम्पावर्ड सोचती हैं कि मैं कैसे हूँ, तो याद रखिए आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं. आप हर रूप में महारानी को देख सकते हैं कि कैसे है. 9 देवियाँ भी हर बात में जताती हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है. इस पॉडकास्ट में मैं आपको इस थॉट से छोड़ना चाहती हूँ कि अपने अंदर झांके, अपनी शक्ति को देखिए, जानिए और प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं. इसी के साथ गुड बाय. पर मैं वापस आऊँगी एक नए बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ. जुड़े रहें और प्यार देते रहें. स्टे ब्लेस्ड. जय माता दी.